लास्ट वीडियो में हमने ऐड का जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में मैं डिलीट क्या करने वाला हूँ, जैसे अगर ये रिकॉर्ड है और इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यस किया मैंने, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो अगर हम अपने कोड पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा जो यूज़र लिस्ट है, यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने ये वाला जो डिलीट रिकॉर्ड का फंक्शन है वो क्रिएट किया था, और यहाँ पे ये रो को डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है कि अगर हम एक्जियस के कोड को देखें जो कि ये वाला है, तो मैं बस इसको कॉपी कर लेना है और इसके नीचे यहाँ पे पास कर देना है। अब ये जो है प्रोसेस, ये गेट का है, लेकिन इसको हमें डिलीट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें डेटा चाहिए होगा, तो डेटा इक्वल टू जो आईडी है वो चाहिए होगा, वो भी जेसन फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग आईडी को पास करेंगे, वो हो जाएगा रो डॉट आईडी। अब इसके नीचे जो हमारा एक्जियस है उसमें हम लोग कन्फिग को पास करने वाला है, तो लेट कन्फिग, कन्फिग के अंदर हमारा जो भी मेथड वगैरह है मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मेथड हमारा हो गया, ये हमारा एपीआई हो गया, और उसके नीचे जो डेटा है वो पास हो जाएगा। तो डेटा पहले ही स्ट्रिंगिफाई है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ डेटा पास कर देता हूँ, और एक्जियस को ऐसे ना लिख करके मैं एक्जियस डॉट रिक्वेस्ट लिखूँगा, और यहाँ पे ये ना पास करके मैं डायरेक्टली कन्फिग को पास कर दूँगा। अब इसमें क्या होगा कि अभी हमें टोस्ट भी चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे डिलीट वाला जो हमारा एपीआई है जो पहले हमने क्रिएट किया था, मैं उसको देख लेता हूँ। तो ये हमारा डिलीट का पूरा प्रोसेस है, आई होप इसे काम कर जाना चाहिए, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, फेल टू एग्जीक्यूट ओपन लाइन 77, तो वहाँ पे मैं आ जाऊँगा। ये जो यूज़र लिस्ट है उसके लाइन 77 में अगर मैं आता हूँ तो ये वाला जो एरर है वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इसमें सेट डेटा वगैरह हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए यहाँ से, बस हमें रिस्पांस मिलना चाहिए। और एक बार जब ये डिलीट हो जाएगा तो हम वापस से ये जो हमारा गेट डेटा है इसको हम लोग कॉल कर लेंगे, ताकि हमारा जो रिस्पांस है वो अपडेट हो जाए। और एरर को सही से देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको ट्राई कैश से बाहर निकाल लेता हूँ। अब हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, फेल टू एग्जीक्यूट ओपन एपीआई यूजर्स इज नॉट वैलिड एचटीटीपी मेथड, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पे मैंने एक स्लैश छोड़ दिया था, तो और यहाँ पे मेथड की जगह पे यूआरएल होगा, तो मैं यूआरएल लिख देता हूँ, ये भी गलती से रह गया था। अभी अगर मैं फिर से ट्राई करता हूँ, 5वां नंबर रिकॉर्ड मैंने डिलीट किया और आप देख सकते हैं ये डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई अलर्ट वगैरह नहीं आ रहा, तो अलर्ट के लिए मैं क्या करूँगा कि एक रिएक्ट अलर्ट कन्फर्म करके एक लाइब्रेरी है, मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। तो ये जो हमारे पास लाइब्रेरी है ये बेसिकली रिएक्ट में अलर्ट दिखाने के काम में आता है। तो यहाँ पे ये जो कमांड है, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर नया टर्मिनल ओपन करके मैं पहले रिएक्ट कन्फर्म अलर्ट को इंस्टॉल कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा डिलीट रिकॉर्ड है उसके बाद में एक और मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो हमारा ये एग्जियस वाला पार्ट है इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, और इसके अंदर रो पास हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये इसका यूज़ दिया गया कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ विज फंक्शन है, मैं फंक्शन के अंदर यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं यूज़ विज फंक्शन का यूज़ करूँगा।
और ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ से जो हमारा कन्फर्म अलर्ट है मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लूँगा, और इसको यहाँ पे जहाँ पे मुझे यूज़ करना है जैसे जो मेरा डिलीट वाला रिकॉर्ड है उसके नीचे मैं जैसे यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ हो क्या रहा है कि ये कन्फर्म अलर्ट हमने ऊपर इम्पोर्ट किया है, ये इम्पोर्ट हुआ है, उसके साथ इसका सी एस एस भी इम्पोर्ट होता है, और यहाँ पे जो भी टाइटल है वो रख सकते हैं जैसे कन्फर्म टू सबमिट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ऐसा मैसेज आ जाएगा, और यस होने पे कोई फंक्शन कॉल होगा, नो होने पे कोई भी फंक्शन हम लोग कॉल नहीं कर रहे तो मैं नो पे ऐसे रहने दूंगा। और यहाँ पे डिलीट रो वाला जो फंक्शन है मैं उसको यहाँ पे ऐसे रो पास कर दूंगा, और ये रो यहाँ से पास हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसका आईडी आ जाएगा, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद अगर हमें टोस्ट मैसेज चाहिए तो यहाँ पे जो टोस्ट है इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ पे ऐसे, टोस्ट कंटेनर आ जाएगा, जो भी हमारे पास टोस्ट का मैसेज है जैसे ये वाला टोस्ट का मैसेज है मैं अगर सक्सेसफुल है तो यहाँ पे ऐसे शो कर सकता हूँ, और यहाँ पे डिलीटेड लिख सकता हूँ, रिकॉर्ड डिलीटेड या डेटा डिलीटेड। और अगर वो फेल हो गया है तो जैसा कि यहाँ पे ये फेल वाला है एरर का मैसेज है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं एरर शो कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो डिलीट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो एक बार हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आने के बाद मुझे ये सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है तो अब देख मैसेज आ रहा है, अगर मैं नो करूँगा तो ये डिलीट नहीं होगा, और अगर मैं यस करता हूँ तो ये डिलीट हो गया और मैसेज भी आ गया डेटा डिलीटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।